मनसे की 3 मई को होने वाली राज्यव्यापी महाआरती रद्द कर दी गई थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की थी। अब यह महाआरती 4 मई को करने का निर्णय कर लिया गया है। जिन मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे रहेंगे उनके सामने ही लाउडस्पीकर लगाकर जोरदार आवाज में हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। इसके मद्देनजर जहां उपराजधानी में मस्जिदों के पास पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, वहीं 239 लोगों को विविध धाराओं के तहत नोटिस जारी किया गया है। अभी तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 639 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। आज का दिन पूरे महाराष्ट्र में होने वाले महाआरती के लिए चर्चा का विषय है। नागपुर में भी पुलिस विभाग द्वारा इस विषय को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार की महाआरती की अनुमति पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वह बड़े नेता हो या फिर कोई कार्यकर्ता। मस्जिदों पर लगे पोंगे उतारने का अल्टीमेटम मनसे की ओर से दिया गया था। इसी के साथ ही महाआरती का निर्णय लिया गया था। इसमें मनसे के साथ कई हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का समावेश हो सकता है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।